तो वहीं ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर गए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को लंदन में रहे। इस दौरान भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम ने बेडफोर्ड वे लंदन स्थित रॉयल नेशनल होटल में प्रवासी भारतीय और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। साथ ही भारतीयों के साथ भोजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम के साथ ही यहां पे एसीएस राजेश राजौरा और संजय दुबे, पीएस उद्योग राघवेंद्र सिंह और जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े भी मौजूद रहे। तो विदेश दौरे पर सूबे के मुखिया, निवेश को लेकर यह दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। आज मैं लंदन में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के दोनों सदन को देखने के लिए अंदर सब परिवार सब मित्रों के साथ गया हूं। यहां की पूर्व मंत्री भी हमारे साथ रही है, उनने बहुत अच्छे से पूरा पार्लियामेंट का फंक्शन भी समझाया, पूरा अंदर का माहौल दिखाया और बहुत सारी चीज़ें मुझे जिज्ञासु होने के नाते से समाधान भी मिला और थोड़ा रोचकता भी रही है। जैसे इनके यहाँ की व्यवस्था में राज्यसभा के समान हमारे यहाँ इनका अलग अलग टेन्योर नहीं होता है। एक बार कोई उच्च सदन का नामित सदस्य हुआ है तो ताउम्र रहता है, फिर बैठने के लिए चेयर अलग अलग नहीं होती, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ बैठेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका सिस्टम भी अलग प्रकार का है। राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा का सदस्य लोकसभा में, लेकिन हमारे मिनिस्टर दोनों सदन में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। इनके सिस्टम में ये गुंजाइश नहीं है। जो राजा हैं इंग्लैंड के, वो उच्च सदन से ही अपनी बात रखते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के अपनी बात नहीं कहते। ऐसे कई जिज्ञासा के समाधान भी हुए और कई प्रकार की जानकारी भी मिली। और जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वार में ये टूट गया था, लेकिन पुनः उसी रूप में बना करके जो दिखाया है, ये इनकी अपनी प्राचीन धरोहर के प्रति इनका प्रेम भी बताता, कला के प्रति उनके अनुष्ठा निष्ठा भी बताती है।